नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोयल एल्यूमिनियम की। जी हाँ, दो दिन से लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ESM की स्टेज वन में है। तो कब ESM की स्टेज टू में आएगा, वॉल्यूम में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि जो 10 रुपये का लेवल था इतने यहाँ पर तोड़ा है काफ़ी दिनों बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यह हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह जो होती हैं IPO से रिलेटेड, या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके शेयर से रिलेटेड, और अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कई बार YouTube नोटिफिकेशन भी नहीं देता है। आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको एक चीज़ पहले तो जान लेनी चाहिए और ध्यान में रखनी चाहिए कि ये वो स्टॉक है, उन तीनों में से एक स्टॉक है, चाहे गोयल हो, चाहे अक्षिता कॉटन हो, चाहे सेरा इन्वेस्टमेंट हो। ये तीनों स्टॉक यहाँ पर स्कैमर्स के द्वारा पंप एंड डंप किए गए हैं। अगर आपको जानकारी नहीं तो मेरे पिछले वीडियोज जाके देख सकते हैं गोयल एल्यूमिनियम पर, और ना वीडियो देखें तो उसके थंबनेल ही देख लीजिए आप। तो बहुत ही अच्छे खासे ऊपर लेवल पे ले जाके इसको डंप कर दिया था, और बहुत सारे लोग इसमें फंस गए थे, और काफ़ी टाइम से एक रेंज में ही अभी भी ट्रैवल कर रहा है, और अभी ये 4.94% के साथ 10 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग दी है। ओपन आप देखिए 9.92 रुपये पे हुआ था, 10 रुपये 20 पैसे का हाई लगाया, 9.92 रुपये का लो लगाया, फिलहाल वहीं पर क्लोजिंग दी। टेंशन वाली बात जो है वो ये है कि ESM की स्टेज वन में है, ESM की स्टेज वन में है, और ESM की स्टेज टू में कब आएगा ये भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे जब हम लोग चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ESM में जाने का मतलब ही, स्टॉक का जाने का मतलब ही यही है कि वहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 143 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसी वजह से ESM में है, और ESM में 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों को डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक का पी आपको 72.3 देखने को मिल रहा है, और इंडस्ट्री का पी 40, तो इसके हिसाब से आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। ROC की बात करेंगे तो 18.4 बढ़िया है, ROE भी यहाँ पर ठीक देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 70% है, बढ़िया है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, ये भी अच्छी चीज़ है, और डेट फ्री आराम से इसको कंसीडर कर सकते हैं। 40 लाख का डेट है, जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0.02। इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए 1.48 रुपये, और अभी जो चल रहा है 10 रुपये के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से आपको लगभग 10 गुना देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो हाई और लो की बात करेंगे तो 7.19 रुपये का लो है, और 47.60 रुपये का हाई लगाया, और यहीं से सीधा यहाँ पर डंप किया गया था, और यहीं पर आगे रुका था ये। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 1.31 रुपये, वहाँ से भी आपको लगभग 10 गुना 9 गुना देखने को मिलता है। रिटर्न्स की बात करेंगे तो ईयर टू डेट में -47%, 1 वीक में 11.6% प्लस, 1 मंथ में 7.45% प्लस, 3 महीने में 17.44% प्लस यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 1 साल में 40% माइनस देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम में देखिए तगड़ा जंप देखने को मिला है फिलहाल, 1 मंथ का एवरेज आपको 2 लाख देखने को मिल रहा है, 1 वीक का एवरेज आपको 1 लाख देखने को मिल रहा है। यस्टरडे की बात करेंगे तो 1 लाख का वॉल्यूम आया था, और आज देखिए यहाँ पर 6 लाख का वॉल्यूम फिलहाल निकल के आया है। यहाँ पर ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो देखिए खूब सारे यहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव थे जून में, तो अभी तक तो फिलहाल यहाँ पर लेटेस्ट कोई देखने को नहीं मिले हैं, और ये जून में ही देखिए यहाँ पर खूब सारा यहाँ पर खरीदी और बिकवाली यहाँ पर देखने को फिलहाल मिली थी, और उसके बाद फिर काफ़ी ऊपर ये गया था, उसके बाद यहाँ पर डंप करा गया था इसको। अब यहाँ पर देखिएगा लगातार अपर सर्किट, फिर ESM के स्टेज टू में, फिर डाउन, फिर यहाँ पर ऊपर, फिर ESM स्टेज में आ जाता है, और फिर डाउन आता है, और यहाँ पर आप देखिए लगातार 2 से 3 अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहे हैं। RSI में भी आपको मजबूती दिख रही है, और यहाँ पर आप देखिए आराम से एक W पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से हो सकता है इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट अगर जाता है 10 से 10.5 रुपये का जो लेवल है, तो वहाँ से फिर आपको हो सकता है अपसाइड मूवमेंट और देखने को मिल जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और यहाँ पर स्कैमर्स भी हैं, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस और व्हाट्सएप ग्रुप पे सब जगह सेंड किए जाते हैं कि आप इसको खरीदिए, अब ये 10 रुपये से 100 रुपये चला जाएगा, ठीक है, ले जाएंगे, हो सकता है चला भी जाए, लेकिन आपने देखा मार्केट कैप कितना छोटा है, कितना रिस्की स्टॉक है, तो नए लोगों को तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड करता हूँ यहाँ पर, कि नहीं जाने की ज़रूरत है इसमें। जिन्होंने ऊपर ले रखा है, एवरेज करने की गलती कतई मत करिएगा, बहुत बुरा फंस जाएंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं, अभी यहाँ से रिवर्सल दे दे और फिर से आपको 7 रुपये 8 रुपये के लेवल आ जाए, और जैसे ही यहाँ पर 2 अपर सर्किट और लगेंगे वैसे ही ESM की स्टेज टू में डाल दिया जाएगा। और ESM की स्टेज टू में जाने का मतलब यही है कि पीरियोडिक कॉल ऑप्शन शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपको शेयर बेच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर घंटे आवर्ली लेवल पर ऑर्डर लगते हैं,
और बहुत सारी चीज़ें होती, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है ESM का, लगभग 5-6 हज़ार नहीं बल्कि 8-9 हज़ार लोगों ने देखा है उसको। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे ESM स्टेज तो आपको मेरा वीडियो ही आपको टॉप पे दिखेगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो, आपको नॉलेज भी बढ़ेगी उसको देखने से। तो यहाँ पर गाइस बिल्कुल अवॉइड रखिए, अवॉइड करिए नए लोग बिल्कुल, और यहाँ पर आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी, एक तरह से आप इसको अलर्ट वीडियो समझिए, है ना। चलिए गाइस, बाकी सारे कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जल्दी मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ गाइस, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे, मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं साफ साफ बोलता हूँ, गलत हो सकता हूँ, ठीक है गाइस। चलिए धन्यवाद।